यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने स्कूली बसों के जांच शिविर का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया। शिविर में वाहनों का मैकेनिकल जांच और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, साथ ही चालक परिचालकों का स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण कराया गया। इस दौरान 104 स्कूली बसें शामिल हुई। टाइम हो गया है, 1 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं और वहीं राजधानी रायपुर में ट्रैफिक खुली, बसों का चेकिंग अभियान लगातार शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में आज बस जो अपने ट्रैफिक जो परीक्षण है वो करवाने आए हैं। ट्रैफिक पुलिस लगातार यहाँ पे परीक्षण कर रही है। पिछले हफ्ते 145 बसों का लगभग यहाँ परीक्षण किया गया था और आज लगभग 104 बसों का परीक्षण किया गया। हमारे साथ राजधानी रायपुर के यातायात DSP सतीश ठाकुर, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से अभी बसें आ रही हैं और कितनी बसें अभी बची हैं और कितनी बसों का परीक्षण अब तक हो चुका है? चूँकि 2 सालों से स्कूल बंद था तो स्कूल बसों की जांच शिविर नहीं चलाया गया था। अभी स्कूल खुला है तो हम लोगों ने पिछले सप्ताह 145 बसों को चेकिंग किए थे, आज 104 बसें आई हुई हैं और सभी बसों को हम लोग 4 चरणों में चेकिंग कर रहे हैं। पहले सभी बसों का दस्तावेज की जांच कर रही है, लाइसेंस हो गया, चालक का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, फिटनेस, परमिट। दूसरे चरण में मैकेनिकल जाँच किया जा रहा है, इसके लिए अलग अलग टीम आई हुई है, MP शाखा से भी टीम आई है, वो चेकिंग कर रहे हैं। MK न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहर के साथ नितिन नामदेव।